हमारे भी थ्री सेंटर पे नौगांव, राजबाग एंड नसीमबाग शार्प एलएन शार्प के नाम से एग्जाम चल रहा है, जो कि कश्मीर जोन में, कश्मीर रीजन में सबसे बड़ा एग्जाम है और इसमें लगभग 10,000 बच्चे एक साथ एग्जाम दे रहे हैं। ये शार्प एग्जाम हमारा और भी ऑल इंडिया लेवल पर होता है, लेकिन कश्मीर जोन के बाहर टैलेंट एक्स के नाम से होता है, क्योंकि कश्मीर जोन विंटर जोन में आता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग एलएन जो है वह शार्प के नाम से स्कॉलरशिप टेस्ट करवाते हैं। इससे बच्चों का बेनिफिट होता है, जब वो कमिंग सेशन में हमारे पास एडमिशन लेने के लिए आएंगे तो 90% तक उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं और इस स्कॉलरशिप के आधार पर बच्चे यहाँ एडमिशन लेते हैं और कैश प्राइज भी उनको मिलता है। तो बच्चों की एक एबिलिटी भी चेक होती है, बच्चे का पेपर देने का तरीका भी पता चलता है कि स्कॉलरशिप का पेपर किस प्रकार से होता है, और हर साल टॉप रिजल्ट देना, नीट में 720 आउट ऑफ 720 देना, जे एडवांस में 360 में 348 मार्क्स लाना, तो ऑलवेज एलएन जो है वो हिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश की है और हिस्ट्री हासिल किया है। इस बार जो अभी एग्जाम चल रहे हैं, आपने देखा होगा काफी ह्यूज भीड़ लगे हुए हैं बाहर, काफी गांव-गांव से लोग आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए, बसों में भर भर के लोग आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए, क्योंकि एलएन पर लोगों का भरोसा है कि एलएन है तो मुमकिन है, पॉसिबल है चीज। एलएन कमिंग ईयर में, कमिंग सेशन में क्लास 8 से स्टार्ट करने जा रहा है। अभी हमारे तीनों सेंटर पे, राजबाग, नसीमबाग और नौगांव, तीनों सेंटर पर हमारा 11, 12 नीट और जेई की तैयारी करवाया जाता था, लेकिन इस साल से हम क्लास 8 से स्टार्ट कर रहे हैं, 8, 9, 10th, 11, 12th, जेई एंड नीट। Sudeep Pandit, the principal as well as the owner of Nivera Day Boarding School, Vattu Ahrabal. Today, Alan conducted, I think, the first test in District Kulgam of this very nature, and so many students, 366 students participated in it. We were asked that unless there will be 300 students, this examination will not be conducted here. We tried our level best because I came to know about this examination through one of my friends, namely Hamid Ali Naik. I am thankful to Alan for reaching to the outskirts, because so many students of this very area, after being talented, they can't reach the UP people so far as the Srinagar center, so far as other centers are concerned, because they are not financially so much sound.